हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल वी कैन डू। और आज हम बात करने वाले हैं एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर के बारे में। ये कंटेनर आपकी डेली लाइफ में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों इसे खाने पीने की चीजों को पैक करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, जानेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों, एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर हल्के लेकिन मजबूत होते हैं। इसमें आप खाने को पैक करने, पार्सल करने और स्टोर करने के लिए सबसे ज्यादा इसी कंटेनर का यूज होता है। दोस्तों, एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर का सबसे ज्यादा यूज फूड इंडस्ट्री में किया जाता है पैकेजिंग के लिए। आप इसे सीधा ओवन में रख सकते हैं या फिर ओवन से सीधा फ्रिज में रख सकते हैं। ये दोनों ही जगह पे बाहरी एनवायरनमेंट से अंदर के खाने को सेफ रखता है। दोस्तों, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ फूड इंडस्ट्री का भी चलन बढ़ता ही गया। इसका सीधा इंपैक्ट जो फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में पड़ा और फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होने लगी, जिसके साथ साथ जो है एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। दोस्तों, इसकी डिमांड बढ़ने का सेकंड रीजन ये भी है कि प्लास्टिक के साइड इफेक्ट के बाद में गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने ये एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर को यूज करना शुरू किया। दोस्तों, आपको पार्टीज या फंक्शन में खाना पसंद आए या ना, लेकिन आपको एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर बनाने का प्रोसेस बहुत पसंद आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर का बिजनेस शुरू करना है तो आपको कौन कौन सी मशीनरीज लगने वाली है, रॉ मटेरियल कौन सा लगने वाला है और कितना इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगने वाला है। और लास्ट थिंग है हमारी, जो इस बिजनेस के सेटअप के लिए आपको कितना एरिया रिक्वायर्ड होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। इससे होगा क्या, हमारी आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। दोस्तों, एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर खाने पीने की चीजों को पैक करने और पार्सल करने के लिए एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये खाने को लंबे समय तक ताजा रखता है और हीट को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से खाना बहुत देर तक गर्म और स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, ये कंटेनर जो होते हैं 100% रिसाइकलेबल होते हैं, इजीली रिसाइकल हो जाते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली होता है। और दोस्तों, सबसे लास्ट थिंग, क्यों लोग इसे सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये बाहरी बैक्टीरिया, जर्म्स, हानिकारक तत्व से अंदर के खाने को सेफ रखता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। दोस्तों, नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में। और रॉ मटेरियल की जैसी ही बात आती है तो सबसे पहले हमारे सामने आता है एल्युमिनियम फॉइल कॉइल। तो दोस्तों, ये कॉइल जो है मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाती है, जिसकी साइज होती है 7 माइक्रोन, 9 माइक्रोन, 11 माइक्रोन। और दोस्तों, 210 रुपए से लेकर 290 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको ये मार्केट में इजिली मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन सी मशीन आपको लगने वाली है, आइए आपको बताते हैं कि एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर बनाने के लिए मशीन के बारे में। तो मशीन तो है दो तरह की होती है, एक ऑटोमेटिक एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर मशीन और हमारी सेकंड मशीन होती है सेमी ऑटोमेटिक एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर मशीन। दोस्तों, ऑटोमेटिक मशीन के अंदर पूरा प्रोसेस जो है ऑटोमेशन पर होता है विदाउट एनी मैनुअली ऑपरेशन। और जो हमारा सेमी ऑटोमेटिक एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर मशीन होती है, इसमें आधा प्रोसेस जो है हमारा मशीन द्वारा होता है और बाकी का जो प्रोसेस होता है हमें मैनुअली हैंडल करना होता है। इसके अलावा आपको एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर डाई जैसे कि 210 ml, 250 ml, 650 ml, 750 ml की भी जरूरत होंगी, जो कि दो टाइप्स में मार्केट में अवेलेबल है। एक है सिंगल कैविटी डाई और सेकंड है हमारा डबल कैविटी डाई। और अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम लैंड ऑफ एरिया 500 square feet कम से कम आपको होना चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम आपको दो लेबर की जरूरत होती है, एक स्किल्ड लेबर और सेकंड होता है हमारा अनस्किल्ड लेबर। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और कैसे हमारा एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर बनके रेडी होता है। तो सबसे पहले एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर मशीन में एल्युमिनियम फॉइल को सेट किया जाता है, उसके बाद में एयर कंप्रेसर पाइप की मदद से एल्युमिनियम फॉइल को मशीन में लगे डाई की तरफ पुश किया जाता है, उसके बाद मशीन में लगा हुआ हैमर मशीन में लगे डाई की तरफ
पुश करती है और उसके बाद में एल्यूमिनियम फॉइल का आकार कंटेनर में बदल जाता है। उसके बाद कंप्रेसर से निकल रही हवा कंटेनर को मशीन से बाहर निकाल देती है। तो दोस्तों ये था एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर बनाने का एक छोटा सा प्रोसेस। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। सेमी ऑटोमेटिक एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए जिन मशीन की जरूरत होगी उसकी कॉस्ट 7 लाख से 10 लाख रुपए हो सकती है। इसके अलावा सिंगल डाई की कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपए है। वही वर्किंग कैपिटल के साथ आप इस बिजनेस को 13 से 15 लाख में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात की जाए तो 7 kV से लेकर 10 kV तक का लोड इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा। और दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रॉफिट की। ये प्रॉफिट जो पार्ट होता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं जो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। पर कंटेनर आपको इस बिजनेस में 15 से 25% तक का मार्जिन हो सकता है। अगर आप 450 ml फॉइल कंटेनर बनाते हो तो और पर डे की जो आपकी क्वांटिटी होती है 50,000 के लगभग होती है, तो आप पर डे में एक अच्छा खासा प्रॉफिट 7,000 रुपए पर डे के हिसाब से कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों हमारी एक छोटी सी वीडियो एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर बिजनेस को लेके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक